हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब भाई हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से आपके पास सारा वेक्टर्स का कंप्लीट रिजोल्यूशन निकल के आएगा इन द 3D पोजीशन, अगर मैं निकालना चाहूँ तो। फर्स्टली मैं क्या करता हूँ भाई, कंसिडर मैं हमारे पास तीन प्लेन होते हैं, थ्री प्लेन्स का मैं कार्टेशियन प्लेन मानता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दैट इज जेड एक्सिस। क्लियर है भाई? अब यहां से क्या करता हूं भाई, एक कोई मैं वेक्टर कंपोनेंट मान लेता हूं, कि मैंने कोई रिजल्टेंट वेक्टर ए मान लेता हूं, कि मान लिया ये मेरे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने क्या माना, एक वेक्टर कंपोनेंट मान लिया, ये मान लिया वेक्टर कंपोनेंट, दैट इज ए वेक्टर मान लिया भाई। ठीक है, इसमें इन द एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? अब इस एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूं तो यहां से अब एक्स वाई प्लेन के लिए तो हो गया, अब ओरिजिन से अगर मैं एक्स जेड प्लेन के लिए करूंगा तो भी मेरे पास वेक्टर कंपोनेंट अलोंग करेगा, और ओ मैं जेड वाई के अलोंग में काम करूंगा तो भी मेरे पास कंपोनेंट काम करेगा। तो कैसे करेगा, कि मैंने मान लिया कि आपके पास ये तो आपके पास आ गया, कि जो फॉर्मेशन में आया पहले तो भाई इस क्रम में आओ, ये आपके पास, अब इस क्रम के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो ये आपके पास आ गया ए एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग में, ये आपके पास टर्म आएगी ए वाई, वाई एक्सिस के टर्म में, और ये आपके पास आ गया ए जेड, किसके, जेड एक्सिस के अलोंग। अब ये कंपोनेंट लगेगा 3D में मेरे को करना है, तो एक बार एक्स जेड में करूंगा और एक बार वाई जेड प्लेन में, तीनों प्लेन में करूंगा। तो भाई मैं करता हूं कि ये आपके पास कोई कंपोनेंट एक्ट होके यहां पे ये आ गया। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो कंपोनेंट था इसका, वो आपके पास ये आ गया। कहने का मतलब आप देखिए कि ए प्लेन एक प्लेन में हो गया, एक्स वाई में, एक्स जेड में हो गया, और जेड एक्सिस के प्लेन में भी हो गया, वाई जेड के प्लेन में भी, तीनों के लिए 3D मैंने मान लिया। अब यहां पे ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया और ये आपके पास ये डायरेक्शन में अप्लाई किया। क्लियर है? अब ये वेक्टर कंपोनेंट, ये तो ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, ये ए जेड हो गया, ये ओ सेंटर था, मान लिया भाई, क्या मान रहा हूं, दैट इज एक्स वाई प्लेन के लिए एंगल मान लेता हूं अल्फा, इस प्लेन के लिए मान लेता हूं जो मेरे पास एक्टिंग करेगा उसके लिए मैं मान लेता हूं बीटा, और जो मेरे पास डाउनवर्ड में जो मेरे पास बच गया इसके लिए मान लेता हूं गामा। अब 3D में मेरे को दिखाना है, अब क्या करता हूं, एक एक्स वाई प्लेन के अलोंग में अब एक 3D पोर्शन के लिए भाई एक वेक्टर खींचता हूं, एक ये वेक्टर मैंने खींचा ये 3D पोर्शन के, खींच दिया भाई। अब यहां से इस वेक्टर के अलोंग में अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास ये यहां पे कंबाइन किया। ठीक है, अब इस मैं नाम देता हूं, तो एक बार ओ पी मान लिया, इसको मान लिया क्या हो, और ये आप मान रहे हैं आर मान, तो इसको ज्वाइन किया। अब यही वेक्टर अगर मैंने ये यहां पे इस प्लेन मारा तो यही एक्स में भी करेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये मैंने इस प्लेन में ये काम कर दिया, इसको मान लेता हूं भाई कोई भी पॉइंट, टी पॉइंट मान लेता हूं, जो कि मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग में जो वेरी कर रहा है। क्लियर है? अब यहां से ये तो मेरे पास हो गया, अब यही काम ये इस प्लेन में भी करेगा, इस प्लेन के लिए करेगा, तो मेरे पास ये आ गया इस प्लेन के लिए, क्या ये आ गया इस प्लेन के लिए, किस प्लेन के लिए, एक्स एक्सिस वाले प्लेन के लिए, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं भाई एस, मान लिया। अब यहां से जब 3D इस कंपोनेंट का वेक्टर मैं अगर करूंगा तो ये मेरे पास किस में, एक्स जेड में भी आएगा, एक्स जेड में भी आएगा, तो मैं मान लेता हूं इस, ये जो मेरे पास एक्स जेड प्लेन के लिए मान रहा हूं, ये मेरे पास आया एक्स जेड प्लेन के लिए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम पॉइंट। क्लियर है? अब ये पॉइंट कहां करेगा, जो मेरे पास ए जेड का प्लेन है जेड एक्सिस के अलोंग में, ये मेरे पास आया जेड एक्सिस के अलोंग में, ये इसने वेक्टर ने कंपोनेंट लगाया जेड एक्सिस के अलोंग में। क्लियर है? अब ये मेरे पास कंबाइन करेगा क्योंकि 3D बनाना है, और ये जब ए जेड वेक्टर अगर इस प्लेन में काम करेगा एक्स जेड में, तो इसने यहां पे ये कंपोनेंट वेक्टर लगा दिया। क्लियर है? अब ये आपके पास बन गया क्या, पूरा एक 3D फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में अगर मैं देखूं क्या कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को कैसे रिजोल्व करता हूं। ठीक है, अब भाई कंसिडर कर लिया था हमने सब कुछ, अब एक ट्रायंगल आप देखना, सबसे पहले एक ट्रायंगल मान रहा हूं ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर इसमें ओ पी क्यू में मैं क्या लगाता हूं, अप्लाई ट्रायंगल रूल, क्या लगाता हूं, ट्रायंगल लॉ को लगाता हूं, ट्रायंगल लॉ को अगर मैं लगाता हूं तो क्या मेरे को हासिल हुआ, दैट ए कंपोनेंट, कहने का मतलब ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू में, ट्रायंगल ये थी ओ पी क्यू, तो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू में पी क्यू वेक्टर प्लस में ओ क्यू वेक्टर, कहने का मतलब
पी क्यू वेक्टर प्लस में ओ क्यू वेक्टर, लग गया भाई। चलो जी, ये आपके पास वेक्टर कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। इक्वेशन नंबर एक मान लेता हूं, ओ पी मेरे को पता है ए वेक्टर है, पी क्यू मेरे को पता है, पी क्यू किसके पैरेलल हो गया भाई, ये मेरे पास ओ जो वाई एक्सिस के अलोंग में तो ए वाई हो गया, ठीक है। बट ओ क्यू कहीं मैच नहीं हो रहा, ओ क्यू के लिए अब एक मैं दूसरे ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकता हूं। कैसे? कि ओ क्यू को निकालने के लिए अब मैं क्या करता हूं, ओ क्यू मेरे को निकालना है, अगर मैं देखूं यहां से ये कंपोनेंट में तो ये मेरे पास ए का वेक्टर है तो ये भी ए का वेक्टर बनेगा। अब कहने का मतलब ओ क्यू अगर मेरे को निकालना है तो अब भाई मेरे को क्या निकालना है, ओ क्यू की फॉर्मेशन निकलनी, ओ क्यू नहीं मिल रहा तो ओ क्यू के लिए मैं लगा सकता हूं यहां से ट्रायंगल ला, कौन सा, तो ओ क्यू को मैं निकाल सकता हूं, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं ट्रायंगल ला के हिसाब से लेता हूं तो ये एक्सिस इसके अलोंग में आएगा तो ट्रायंगल ला के पैरेललोग्राम पी ला बन रहा है तो वहां से लगा सकता हूं ओ क्यू इज इक्वल टू में किसके बराबर, ओ इसको नाम दे दिया भाई मैंने, कोई भी नाम दे रहा हूं, जैसे कि मैं मान रहा हूं एक्स, ओ एक्स प्लस में ओ एन जो मेरे पास वेक्टर कंपोनेंट लग रहा है, तो यहां से ओ क्यू मैंने निकाला ट्रायंगल ला के हिसाब से, ओ एक्स प्लस में ओ एन, ओ एक्स वेक्टर प्लस में ओ एन वेक्टर, ठीक है भाई, इसको यहां अप्लाई कर रहा हूं, देन ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू में पी क्यू वेक्टर प्लस में ओ क्यू की जगह ये रख सकता हूं ओ एक्स वेक्टर प्लस में ओ एन का वेक्टर। अब अप्लाई करता हूं भाई, OP वेक्टर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आया A वेक्टर इज इक्वल टू में P क्यू वेक्टर की अगर मैं बात करूं P क्यू ये मेरे पास क्या आ रहा है A Y, क्योंकि मेरे पास किसके अलोंग में आ रहा है Y एक्सिस के अलोंग में, तो ये मेरे पास आया ए वाई प्लस में ओ एक्स, ओ एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ रहा है ए एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग में, दैट इज ए एक्स प्लस में ओ एन की अगर मैं बात करूं तो ये किसके अलोंग में आ रहा है ए जेड के अलोंग में, ए जेड के अलोंग में, तो मेरे पास ए वेक्टर जो बना दैट इज ए वाई प्लस में ए एक्स प्लस में ए जेड, तो ये आपके पास बन गया। अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, क्या निकालू मैग्नीट्यूड, तो यहां से मैं इसका क्या निकालू मैग्नीट्यूड अगर निकालता हूं तो कैसे निकालू मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करता हूं, अब मैग्नीट्यूड निकालने के सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक बार यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करता हूं, क्या करता हूं यूनिट वेक्टर में। अब मेरे को पता है कि अगर मैं यहां से ही आपके पास दोबारा ग्राफ बना के दिखाऊं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, मैंने जब भी बताया था अपनी वीडियो में कि x एक्सिस के अलोंग में तो i कंपोनेंट वेक्टर काम करता है, y के अलोंग में j कंपोनेंट काम करता है और z के अलोंग में क्या करता है k कंपोनेंट। अब यहां पे इसको लिख सकता हूं, यहां से इसको लिख सकता हूं दैट a वेक्टर इज इक्वल टू में ए वाई जे कंपोनेंट, ठीक है भाई, वाई के साथ में जे प्लस में ए एक्स आई कंपोनेंट प्लस में ए जेड, जेड का होता है के कंपोनेंट, सीरियल वाइज लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे कंपोनेंट प्लस में ए जेड के कंपोनेंट, तो आपके पास ये निकल सकता है। अब यहां से अगर मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड क्या निकल कैसे कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड आएगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू में क्या करता हूं सारे का स्क्वेयर करता हूं, ए एक्स का स्क्वेयर प्लस में ए वाई का स्क्वेयर प्लस में ए जेड का स्क्वेयर, और इसका भी स्क्वेयर होता है तो स्क्वेयर के टर्म में मैंने क्या ले लिया इसका अंडर रूट, तो ये आपके पास आ गया किसका मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड जो हमने निकाला है OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ट्रायंगल आके ये करते हैं ना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, क्या करता हूं कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू में PQ वेक्टर का स्क्वायर प्लस में OQ वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, अगर OP वेक्टर निकालना है मैग्नीट्यूड देन PQ वेक्टर का स्क्वायर प्लस में OQ वेक्टर का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, और सारे का अंडर रूट मेरे पास क्या है, क्योंकि मेरे पास OP वेक्टर सारा सब कुछ मिलके क्या है ये आया है, तो मैग्नीट्यूड निकाला a वेक्टर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। अब इसी के बेसिस पे आपके पास पूछ सकता है कि डायरेक्शंस क्या-क्या अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे डायरेक्शन कौन-कौन सी अप्लाई होंगी। अभी मेरे को क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है किसके a वेक्टर के अलोंग में। अब मैंने तीन एंगल माने थे, x एक्सिस के अलोंग में अल्फा बीटा और गामा, z एक्सिस के अलोंग में तीनों के लिए। अब मैं यहां से अगर मैं निकालू कोसाइन वेक्टर के हिसाब से, दैट पहले मैं निकालता हूं कोस, अब मेरे को पता है कि अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये मेरे पास कॉमन टर्म है। अब यहां से इस कॉमन टर्म से यूज करके अब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग में निकालता हूं तो एक्स एक्सिस का तो फॉर्म वो क्या लग रहा है कोस अल्फा इज इक्वल टू में बेस, बेस अगर मैं बात करूं तो क्या है
एक्स अपोन में हाइपोटेन्यूज अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, ए वेक्टर। दैट मीन्स ये आपके पास बना ए एक्स इज इक्वल टू में ए वेक्टर कोस अल्फा, इक्वेशन नंबर एक। अब ऐसे ही मैं उसके लिए मैं किसके लिए करूंगा, बीटा के लिए, बीटा के लिए भी सेम। मेरे पास बेस क्या आएगा आपके पास, ए वाई अपोन में ए वेक्टर। कहने का मतलब सिंपली मैं लिख सकता हूं कि कोस बीटा को अगर लिखूंगा देन ए वाई अपोन में ए वेक्टर इज इक्वल टू में, तो आपके पास ए वाई बनेगा ए वेक्टर कोस बीटा, इक्वेशन नंबर दो। ठीक है, अब आपके पास क्या लिखूंगा, कोस गम्मा, कोस गम्मा की अगर लिखूंगा तो सेम यही बनेगा। मींस अब क्या हो जाएगा, सिर्फ ए जेड कंपोनेंट वेक्टर काम करेगा, अपोन में ए वेक्टर अगर काम बनेगा तो ए जेड इज इक्वल टू में ए वेक्टर कोस गम्मा, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, अब क्या करता हूं, ये आपके पास सारे हैं ए वेक्टर कोस अल्फा, ए वेक्टर कोस बीटा, ए वेक्टर कोस गामा। ठीक है, अब आपके पास रिजोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था कि जो मेरे पास ए स्क्वायर का आया था, क्योंकि हमने ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग में पढ़ा था क्या कि ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू में, अगर मैं बात करूं ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर, अभी किया था, फिर स्क्वायर को हटा के अंडर रूट किया था ना। अब यहां से वैल्यू पुट कर सकता हूं, ए एक्स की वैल्यू को पुट किया, दैट मींस ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब भाई मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद यहां से क्लियरली हो जाएगा। अब भाई आपके पास ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आ रहा है, ए वेक्टर कोस अल्फा, ए वेक्टर कोस अल्फा सारे का स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर कोस बीटा सारे का स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर कोस गामा सारे का स्क्वायर। इट मींस ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अलग अलग लिखता हूं तो ए वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस में ए वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस में ए वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। क्लियर है, अब यहां से तीनों में से ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर कॉमन ले सकता हूं, इट मींस ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए वेक्टर का स्क्वायर मैंने कॉमन आउट ले लिया, अंदर बच गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, यही बच गया। अब देख रहा हूं कि ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, इधर क्या सिर्फ क्या बच गया वन। इसका मतलब आपके पास क्या टर्म बनी कि कोई भी एंगल अगर लूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग में, वाई एक्सिस के अलोंग में और जेड एक्सिस के अलोंग में, दैट ऑलवेज इक्वल टू वन, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू में वन। तो इससे आप क्या बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन वेक्टर की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को रिजोल्व करना, अगर 3D में आपको रिजोल्व करना है तो इस हिसाब से आप इसको रिजोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास फर्दर कोई क्यूरीज रहती है देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन और अदरवाइज यू कैन सी इट। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करते रहिए एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।